बर्फीले मैदान के बीच एक्शन में रूस की टैंक ब्रिगेड। रूसी सेना ने आर्टिलरी से किया यूक्रेनी ठिकानों पर हमला। वॉर जोन से सबसे विध्वंसक तस्वीर आई सामने। मेरिंका की सड़क पर रूसी सैनिकों ने दिखाया तांडव। रूसी सैनिकों ने BTR-82A से बरसाई गोली। रूसी आर्टिलरी के एक्शन का वीडियो आया सामने। रशियन ब्रिगेड ने किया होवित्सर से यूक्रेनी ठिकानों पर अटैक। बाखमुट में रूसी पोस्ट पर यूक्रेन ने किया अटैक। रूसी मोर्टार पोजीशन पर यूक्रेनी आर्टिलरी से हुआ हमला। बाखमुट में रूसी सेना ने किया यूक्रेनी पोस्ट पर अटैक। रूसी फौज ने आर्टिलरी से पूरी बिल्डिंग को तबाह किया। यूक्रेनी सैनिक ने किया मेंस पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम मैनपैड से हमला। अपार्टमेंट की विंडो से रूसी सैनिकों को टारगेट किया। किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल हमले से थर्राया कीव। यूक्रेन पर किंजल से हमले का वीडियो आया सामने। रूस ने यूक्रेन में दागी 6 किंजल मिसाइलें। जंग में पहली बार इस्तेमाल हुआ किंजल मिसाइल। वॉर जोन से अब तक की सबसे जाबाज रिपोर्टिंग। TV9 के कैमरे में देखी सॉलिडर की बर्बादी। भीषण युद्ध के बीच बाखमुट पहुंचा TV9 का कैमरा। घरों को बंकर के रूप में इस्तेमाल कर रहे यूक्रेनी सैनिक। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पौधशाला की शुरुआत की है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने पौधों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। यूक्रेन के S-300 पर रूस ने किया भीषण ड्रोन अटैक। यूक्रेन का S-300 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हुआ। वुहेलजन में रशियन एयरफोर्स ने की ताबड़तोड़ कार्रवाई। रूसी एयरफोर्स ने यूक्रेनी सैनिकों के ठिकानों पर बरसाए बॉम्ब। मॉस्को में TV9 पर हुआ एयर रेड वार्निंग मैसेज का ब्रॉडकास्ट। संभावित एयर स्ट्राइक को लेकर वार्निंग मैसेज किया गया जारी। रूसी मिसाइल हमले से यूक्रेनी कॉम्बैट ड्रोन का बेस तबाह हुआ। ड्रोन बेस की तबाही पर रूसी रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा। क्रिमेनिया के पास जंगल में रूस यूक्रेन के बीच हुई आमने सामने की जंग। यूक्रेन की 95वीं ब्रिगेड बटालियन ने रूसी सेना पर की ताबड़तोड़ फायर। अवदीवका में रूस की रॉकेट फोर्स ने यूक्रेनियन मिलिट्री पोस्ट पर मचाई तबाही। रूसी फोर्स ने ग्रैंड MLRS सिस्टम और TOS-1A से की भीषण बारूदी बौछार। यूक्रेन के कई शहरों में बजा एयर रेड अलर्ट सायरन। ज़ापोरिज़्या में सुनाई दी धमाके की आवाज। जर्मनी के हैम्बर्ग चर्च में बंदूकधारियों ने की अंधाधुंध फायरिंग। हमले में 6 लोगों की मौत, 8 घायल। इसराइल के तेल अवीव शहर में हुई फायरिंग। इसराइल सरकार ने बताया आतंकी हमला। फायरिंग में 3 लोग हुए घायल। ज़ापोरिज़्या न्यूक्लियर प्लांट में पावर सप्लाई पूरी तरह से ठप हुई। न्यूक्लियर प्लांट में पावर सिस्टम से आखिरी लिंक भी कटा। ज़ापोरिज़्या प्लांट में पावर बंद होना है बेहद खतरनाक संकेत। IAEA चीफ ने भी किया दावा। अमेरिका और इसराइल से खतरे के बीच ईरान तेजी से नेवी की ताकत बढ़ाने में लगा है। ईरान के नेवल फ्लीट में शाहिद महदवी युद्धपोत को तैनात किया गया। तुर्की के इस्तांबुल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विरोध प्रदर्शन के दौरान 5 महिलाओं को हिरासत में लिया गया। इसराइल में सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों को नियंत्रित करने वाले कानून के खिलाफ विरोध बढ़ता ही जा रहा है। नाइजीरिया के इकेजा शहर में BRT बस और ट्रेन के बीच टक्कर हुई। हादसे में 6 लोगों की मौत, कई घायल। आज राउस एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया की जमानत याचिका पर होगी सुनवाई। सिसोदिया की कोर्ट में 2 बजे पेशी होगी। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया। तिहाड़ में 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हुई। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का आम आदमी पार्टी पर हमला। बोले कानून अपना काम कर रहा, भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी। सिसोदिया ने देश के नाम जेल से चिट्ठी लिखी, कहा जेल भेजने की राजनीति कर रही बीजेपी। महिला आरक्षण के मुद्दे पर आज दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देंगी के कविता। 18 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि धरने में हो सकते हैं शामिल। सिसोदिया पर हुए ईडी के एक्शन पर केजरीवाल का बयान, कहा कि रोज नए फर्जी केस बना रहे हैं। सिसोदिया को बंद रखने की साजिश हो रही। शराब घोटाले में ईडी ने पूछताछ के लिए के कविता को भेजा है समन। कल होगा ईडी के सवालों से सामना। आज पीएम मोदी महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित करेंगे। महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के विकास पर होगा मंथन। पीएम मोदी आज दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा जोखिम में कमी के तीसरे सत्र का उद्घाटन करेंगे। NPD-RR के तीसरे सत्र का उद्घाटन करेंगे। ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज के साथ आज पीएम मोदी की हैदराबाद हाउस में होगी बैठक। दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर हो सकते हैं समझौते। आज दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज का होगा स्वागत। शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे ऑस्ट्रेलियाई पीएम। गृहमंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद नगर निगम और अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण के विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे। राहुल गांधी पर आज लोकसभा विशेषाधिकार समिति की बैठक। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे मौखिक बयान कराएंगे दर्ज। श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में आज सुनवाई होगी। 3 अलग अलग दावों पर होगी सुनवाई। असम विधानसभा का बजट आज से शुरू होगा। दिसपुर में 5 अप्रैल तक चलेगा बजट सत्र। INS विक्रांत पर आज मीडिया कर्मी सफर कर सकेंगे। कुछ दिनों में INS विक्रांत मुंबई बंदरगाह की पहली यात्रा करेगा।
दिल्ली में बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी में राइडर्स। दिल्ली परिवहन विभाग ने बाइक एग्रीगेटर्स को अपनी सेवाएं रोकने के दिए थे आदेश। भीषण गर्मी से बिजली संकट की संभावनाओं को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट, बिजली मंत्री आर के सिंह ने समीक्षा बैठक की। आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, ऊर्जा मंत्री आर के सिंह से मिलकर अतिरिक्त बिजली की कर सकते हैं मांग। दिल्ली के न्यू अशोक नगर इलाके में कार में मिली युवक की लाश, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी, कार की टक्कर लगने के बाद बाइक सवार उछलकर खंभे से टकराया। मुंबई के ऐतिहासिक गेटवे ऑफ इंडिया पर मंडरा रहा खतरा, पुरातत्व विभाग ने जारी की रिपोर्ट, इमारत की नींव और दीवारों में आई है दरारें। तेजी के साथ फैल रहा इन्फ्लुएंजा का H3N2 वायरस, पिछले 6 महीनों में वायरस के पैटर्न में आया अप्रत्याशित बदलाव। सतना सिविल लाइन इलाके में देखा गया तेंदुआ, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तेंदुए की तस्वीरों से सहम गए लोग। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व के खेत में बने कुएं में गिरा भालू, ग्रामीणों ने रेस्क्यू करके बाहर निकाला। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पौधशाला की शुरुआत की है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने पौधों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।